अस्सलाम वालेकुम। ईद स्पेशल सीरीज में आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मुगलाई चिकन दम बिरयानी। ये कच्ची यखनी की दम बिरयानी है, बहुत ज्यादा मजे की बनती है और इजी भी है इसे बनाना। आपके ईद के मेन्यू में चार चांद लगाने वाली है ये बिरयानी की रेसिपी। ऐसे ही मजेदार रेसिपीज के लिए चैनल कुक विद फेम सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लें और भी सेलेक्ट कर लें। मुगलाई चिकन दम बिरयानी बनाने से पहले इसमें डालने वाले स्पाइसेस देख लेते हैं। हमें चाहिए आधा टीस्पून काली मिर्च, दो बड़ी इलायची, सात से आठ लौंग, छह छोटी इलायची यानी हरी इलायची, दो दालचीनी के पीसेस, जीरा डेढ़ टीस्पून और ये चक्रफूल। बिरयानी के लिए हमें चाहिए एक किलो चिकन, चिकन के पीसेस मीडियम साइज में कट कर लें। नेक्स्ट इसमें डालिए दही दो कप भर के, ये 400 ग्राम है। 400 ग्राम से थोड़ा ज्यादा ही होगा दही, आप चाहें तो 500 ग्राम यानी आधा लीटर दही भी डाल सकते हैं। मैंने तीन बड़े साइज के प्याज को बारीक काट के डीप फ्राई करके रख लिया था पहले ही। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसे कैसे फ्राई करते हैं तो जस्ट टाइप करें डीप फ्राइड अनियंस बाय कुक विद फेम, आपको वीडियो मिल जाएगा। इसे डाल दें अब 6 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्रेश है तो बहुत अच्छी बनेगी बिरयानी। ये सभी स्पाइसेस डाल दें। एक बड़े साइज के नींबू का जूस, एक टीस्पून हल्दी, दो टीस्पून या डेढ़ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक दो टीस्पून, दो टीस्पून होममेड गरम मसाला पाउडर। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो जस्ट टाइप करें होममेड गरम मसाला पाउडर बाय कुक विद फेम, वीडियो मिल जाएगा। मुगलाई चिकन दम बिरयानी के इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं ये नट्स, पिस्ता, बादाम, काजू। इन्हें मैंने चॉप करके रख लिया है, इसे डाल दें। पिस्ता होंगे एक 20 से 25, 20 बादाम, 20 काजू, आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं। इसे मैं डाल देती हूँ, थोड़े गार्निशिंग के लिए भी रख लें। चार से पांच कटी हुई हरी मिर्च, थोड़े से फ्रेश धनिया और पुदीने के पत्ते। आखिर में हम इसमें एक कप भर के तेल डाल देते हैं, ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी। सभी इंग्रेडिएंट्स को अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चिकन में सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं एक घंटे के लिए। अगर आप चाहें तो पूरी रात भी रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, बिरयानी और भी ज्यादा मजे की बन जाएगी। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ। अगर आप इस तरह से करेंगे यानी पूरी रात रख के दूसरे दिन बिरयानी बनाएंगे तो आपका बिरयानी का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन मिनिमम एक घंटा जरूरी है। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है, नेक्स्ट हम चावल की तैयारी शुरू कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक किलो चावल, आप चाहें तो थोड़े से ज्यादा भी डाल सकते हैं एक किलो चिकन के लिए। मैंने यहाँ पे एक किलो और एक दो मुट्ठी एक्स्ट्रा चावल डाले हैं। चावल को तीन से चार बार पानी से अच्छे से धो के इसे आधे घंटे के लिए रख दें भीगने के लिए। नेक्स्ट एक बड़ा सा वेजल ले लें और इसमें पानी बॉईल होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए चार से पांच लीटर पानी या उससे ज्यादा भी आप ले सकते हैं। जितना ज्यादा पानी लेंगे चावल उतने ही खिले खिले बनेंगे। इसे हाई फ्लेम पे रख दें। पानी में हम थोड़े से स्पाइसेस डाल देते हैं, दो से तीन दालचीनी के पीसेस, तेजपत्ता, तीन इलायची, इलायची थोड़ा सा ओपन करके डालिए यानी थोड़ा सा क्रश करके डालिए, छह से सात लौंग, थोड़े धनिया और पुदीने के पत्ते, दो या तीन टीस्पून तेल, आधे नींबू का जूस, नमक। नमक हमें ज्यादा चाहिए, चार से पांच टीस्पून या छह टीस्पून भी आप डाल सकते हैं। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। क्योंकि ये कच्ची अखनी की दम बिरयानी है इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट होगा। ये तो बॉईल हो रहा है, भीगने रखे हुए चावल डाल दें। इस बिरयानी के लिए बासमती चावल ही सबसे परफेक्ट होंगे। इसे बस एक बार मिक्स कर लें, ज्यादा स्पून मत डालिए वरना चावल टूट जाएंगे। इस बिरयानी में हम चावल सिर्फ एक 50-60% यानी 50-60% तक ही पकाएंगे, बहुत कम पकाएंगे क्योंकि ये कच्ची यखनी की दम बिरयानी है। इसमें दम में ही पकते हैं चावल, हम इसे दम के लिए 40 मिनट से एक घंटे तक रखेंगे, इसीलिए ज्यादा मत पकाइए।
दो मिनट हो चुके हैं। हम ये थोड़े से चावल निकाल के पहला लेयर बना देते हैं। पानी अच्छे से निकाल रहे हैं, देख लें इस तरह से। जो पहला लेयर है ये जस्ट एक 50% तक ही पके हुए हैं, एक दो या तीन मिनट के लिए ही। इस तरह डालने से क्या होता है, चावल अच्छे से पक जाते हैं दम के दौरान। अगर आप ज्यादा पके हुए चावल डालेंगे तो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, ये चावल एक 60-70% पक चुके हैं, बस इतना काफी है। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसे स्ट्रेन कर लें। अब जो बाकी के चावल हैं वो हम डाल देते हैं। चावल डालने के बाद इसके ऊपर थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते डाल दें, थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज, थोड़े से नट्स, बादाम, पिस्ता, काजू, चिकन में भी हमने डाला था। घी डाल दें, आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। मैंने एक आधा कप दूध में थोड़े से जाफरान के स्ट्रैंड्स डाले हैं और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, आप चाहें तो ऑरेंज फूड कलर स्किप कर सकते हैं, ये बिरयानी को अच्छा कलर देगा इसीलिए डाला है। इसे डाल दें। आप सील कर लें। आप इस तरह इसे एल्यूमिनियम फॉइल से सील कर लें। अगर आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल ना हो तो आप एक कॉटन का कपड़ा भी रख के सील कर सकते हैं, या आप गूंदा हुआ आटा इधर लगा दें, लगा के लिड क्लोज कर दें। इस वेजल को आप हाई फ्लेम पे रख दें 1 मिनट के लिए, 1 या 1.5 मिनट बस है। 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रखने के बाद वेजल को निकाल के साइड में रख दें और स्टोव के ऊपर एक तवा रख लें, एक पुराना सा तवा जो मैंने बिरयानी दम के लिए ही रखा हुआ है। इसके ऊपर अब हम वेजल रख देते हैं। तवा रखने के बाद फिर से 3 से 4 मिनट के लिए फ्लेम को हाई पे ही रखिए ताकि हीट तवे के जरिए से इस वेजल के अंदर आ सके। तीन से चार मिनट हो चुके हैं, अब मैं फ्लेम को लो पे रख देती हूँ और लो फ्लेम पे हम इसे 1:40/5 यानी 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक लो फ्लेम पे दम पे ही पकाना होगा, तभी चिकन अच्छे से गलेगा और चावल भी परफेक्ट बनेंगे। अगर आपके पास तवा नहीं है तो ये जो वेजल है ये बहुत ज्यादा थिक बॉटम वाला होना चाहिए, तभी अच्छे से परफेक्टली बनेगी, वरना नीचे से पकड़ सकती है बिरयानी दम के दौरान। इसे हम अब 45 मिनट्स या 1 घंटे के बाद ही आके चेक करेंगे, बिना डिस्टर्ब किए ऐसे ही रख दें। 1 घंटा हो चुका है, लिड ओपन करके देख लेते हैं। अब देखिए स्टीम निकल रही है, इसका मतलब अच्छे से दम हो चुका है। देख लें कितनी मजे की लग रही है। चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि कैसी बनी है। देख लें चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है और चावल भी परफेक्ट बने हैं। चिकन का पीस देखिए बिल्कुल भी जला नहीं है, जस्ट एक अच्छा सा ब्राउनिश, लाइट ब्राउनिश कलर आया है। और देखिए आप देख सकते हैं चिकन का पीस और चिकन भी देखिए कितना अच्छे से गल चुका है। जो नॉर्मल चिकन बिरयानी का चिकन होता है उससे भी एक कई गुना ज्यादा मजेदार बनती है ये, और चिकन में भी बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है इस बिरयानी के। आप लोग इसे जरूर ट्राई करें। इसका दाना दाना देखिए कितना खिला खिला बना है और खुशबू तो मैं आपको बता नहीं सकती, पूरे घर में फैल चुकी है। बहुत मज़ेदार बनती है ये बिरयानी, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। कमेंट में बताएं आपको आज की मज़ेदार मुगलई चिकन दम बिरयानी कैसी लगी।
लाइक ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो के लिंक को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ग्रुप्स में भी शेयर करें, चैनल कुक विद फैम का लिंक भी ज़रूर शेयर करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।